हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल चिल्ड्रन एजुकेशन 2M की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जोड़ और घटाना एक ही वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जोड़ यानी कि 8 को बनाना बहुत ज्यादा आसान है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें 2627 में 3242 को जोड़ना है। दोस्तों, राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 7 और 2। दोस्तों, ऊपर में है 7, तो हम क्या करेंगे, 7 के लिए 7 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, 7 लाइनों में ही और 2 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2। अब दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, 7 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 9। दोस्तों, यहाँ पर 9 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है, 2 और 4। दोस्तों, ऊपर में है 2, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 2 के लिए 2 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनों में ही और 4 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2 3 4। अब दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, 2 और 4 को जोड़ने पर क्या आया, 6। दोस्तों, हम यहाँ पर 6 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है, 6 और 2। दोस्तों, उसी तरीके से ऊपर में है 6, तो हम क्या करेंगे, 6 के लिए 6 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, 6 लाइनों में ही और 2 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2। अब दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, 6 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 8। दोस्तों, यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है, 2 और 3। दोस्तों, ऊपर में है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए 2 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 3, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनों में ही उसी तरीके से 3 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2 3। अब दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5। दोस्तों, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आया, 5। दोस्तों, हम यहाँ पर 5 को लिख देंगे। और दोस्तों, ये आ गया हमारा बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। चलिए दोस्तों, इसको भी बनाना सीख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस तरीके के जोर को बनाने में। दोस्तों, यहाँ पर हमें उस तरीके से 3734 में 4252 को जोड़ना है। तो दोस्तों, उसी तरीके से राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 4 और 2। दोस्तों, उसी तरीके से ऊपर में है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए 4 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2 3 4। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 4 लाइनों में ही और 2 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2। अब दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 6। दोस्तों, यहाँ पर 6 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है, 3 और 5। दोस्तों, उसी तरीके से आपको क्या करना है, ऊपर में है 3, तो 3 के लिए 3 लाइन फाड़ लेने हैं। 1 2 3। अब दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 5, तो हम क्या करेंगे, 3 लाइनों में ही और 5 लाइन फाड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। अब दोस्तों, इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी तरीके से इन सारे लाइनों को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आया, 8। दोस्तों, यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है, 7 और 2।
दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है सात, तो हम क्या करेंगे, सात के लिए सात लाइन पाड़ लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, दो, तो हम क्या करेंगे सात लाइनों में ही और दो लाइन पाड़ लेंगे, एक दो। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। दोस्तों सात और दो को जोड़ने पर क्या आया, नौ। दोस्तों मैं यहाँ पर नौ को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में क्या है, तीन और चार। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है तीन, तो हम क्या करेंगे तीन के लिए तीन लाइन पाड़ लेंगे, एक दो तीन। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, चार, तो हम क्या करेंगे तीन लाइनों में ही और चार लाइन पाड़ लेंगे, एक दो तीन चार। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात। दोस्तों तीन और चार को जोड़ने पर क्या आया, सात। दोस्तों मैं यहाँ पर सात को लिख देंगे और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों घटाव यानी कि घटाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें 7956 में से 4532 को घटाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आ गई कि इसको घटाए कैसे। दोस्तों राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, छः और दो, तो दोस्तों ऊपर में है छः, तो हम क्या करेंगे छः के लिए छः लाइन पाड़ लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, दो, तो हम क्या करेंगे छः लाइनों में से दो लाइनों को कट कर लेंगे, एक दो। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद हमारा जो भी शेष लाइन बचा है, चलिए हम उसको गिनते हैं, एक दो तीन चार। दोस्तों छः में से दो को घटाने पर क्या आया, चार। दोस्तों मैं यहाँ पर चार को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, पाँच और तीन, यानी कि हमको पाँच में से तीन को घटाना है। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है पाँच, तो हम क्या करेंगे पाँच के लिए पाँच लाइन पाड़ लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, तीन, तो हम क्या करेंगे पाँच लाइनों में से तीन लाइनों को कट कर लेंगे, एक दो तीन। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसको गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए, एक दो। दोस्तों पाँच में से तीन को घटाने पर क्या आया, दो। दोस्तों हम यहाँ पर दो को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, नौ और पाँच, यानी कि दोस्तों हमको नौ में से पाँच को घटाना है। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में क्या है, नौ, तो हम क्या करेंगे नौ के लिए नौ लाइन पाड़ लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, पाँच, तो हम क्या करेंगे नौ लाइनों में से पाँच लाइनों को कट कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद हमारा जो भी शेष लाइन बचा है, चलिए हम उसको गिनते हैं, एक दो तीन चार। दोस्तों नौ में से पाँच को घटाने पर क्या आया, चार। दोस्तों हम यहाँ पर चार को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट में क्या है, सात और चार। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है सात, तो हम क्या करेंगे सात के लिए सात लाइन पाड़ लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, चार, तो हम क्या करेंगे उसी तरीके से सात लाइनों में से चार लाइनों को कट कर लेंगे, एक दो तीन चार। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद हमारा जो भी शेष लाइन बचा है, चलिए हम उसको गिनते हैं, एक दो तीन। दोस्तों सात में से चार को घटाने पर क्या आया, तीन। दोस्तों मैं यहाँ पर तीन को लिख देंगे। और दोस्तों ये आ गया हमारा बहुत ही आसान तरीके से आंसर। तो चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए। दोस्तों यहाँ पर हमें 9648 में से 5324 को घटाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि घटाया कैसे जाता है। दोस्तों राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, आठ और चार। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है आठ, तो हम क्या करेंगे आठ के लिए आठ लाइन पाड़ लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात
8। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे, 8 लाइनों में से 4 लाइनों को कट कर लेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद हमारा जो भी शेष लाइन बचा है, चलिए हम उसको गिनते हैं, 1 2 3 4। दोस्तों 8 में से 4 को घटाने पर क्या आया, 4। दोस्तों हम यहाँ पर 4 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 4 और 2। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए 4 लाइन फाड़ लेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 4 लाइनों में से 2 लाइनों को कट कर लेंगे, 1 2। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, हमारा जो भी शेष लाइन बचा है, चलिए हम उसको गिनते हैं, 1 2। दोस्तों 4 में से 2 को घटाने पर क्या आया, 2। दोस्तों हम यहाँ पर 2 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 6 और 3। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 6, तो हम क्या करेंगे, 6 के लिए 6 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे, 6 लाइनों में से 3 लाइनों को कट कर लेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसको गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3। दोस्तों 6 में से 3 को घटाने पर क्या आया, 3। दोस्तों हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट में क्या है, 9 और 5। तो दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 9, तो हम क्या करेंगे, 9 के लिए 9 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 5। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 9 लाइनों में से 5 लाइनों को कट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसको गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4। दोस्तों 9 में से 5 को घटाने पर क्या आया, 4। दोस्तों हम यहाँ पर 4 को लिख देंगे। दोस्तों ये आ गया हमारा बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।